एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। क्या हो गया है, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ प्लीज। बंद करो प्लीज। क्या हुआ है बताओ? काश मुझे तलाक हो जाएगी। अल्लाह ना करे तुम्हें तलाक हो, कैसी बातें कर रही हो? पाजी मुझे नजम छोड़ देगा। लेकिन नजम तो बहुत अच्छा बाकिरदार सुलझा हुआ लड़का है। हाँ जी, शादी के शुरू में सब अच्छे होते हैं, शादी के बाद अपना रंग दिखाते हैं। मामला क्या है बताओ? आपको तो पता है ना कि हमारे हालात कैसे थे शादी के वक्त, इसलिए अब्बा जहेज ही नहीं दे पाए। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, और अम्मा जान ने तुम्हारा सारा जहेज भी करवा के दिया था। वो सामान था जो अम्मा ने कहा था कि हम बाद में दे देंगे, फिर वो सामान अब तक नहीं दे पाए। क्या सामान? थोड़ा सोना था, गाड़ी थी। तो आपको पता है ना कि हमारे हालात नहीं है, तो बहुत परेशान हूँ। मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे तुम्हारा घर टूटे, बर्बाद हो। क्यों रो रही हो? चलो पानी पियो और रोना बंद करो। अरे नासिया, रोजा नहीं रखा? मेरी तबीयत नहीं है। अच्छा अच्छा, खैर है, परेशान नहीं हो तो। तो क्यों रही हो? अम्मी वो इसकी शादी के वक्त जहेज के जो मामलात थे, आपने सब कुछ करवाया था, याद है ना आपको? मैंने कहाँ करवाए थे बेटा, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। बेशक शादी के वक्त इनके अब्बू ने उन लोगों से सोना और गाड़ी कमिट कर लिया था और कहा था कि शादी के बाद हम दोनों चीजें दे देंगे। अब अंकल के हालात उस तरह के नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, पेंशन पे गुजारा होता है। और नजम के घर वालों का कहना है कि अगर हमें वो चीज़ें नहीं मिली तो हम इसे तलाक दे देंगे। ओहो, ये तो बड़ा जुल्म है। बहुत ही अफसोस की बात है। लोगों के नज़दीक इंसान से ज़्यादा चीज़ों की अहमियत है। अच्छा, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उसे अपने पैसों से गाड़ी दे दे। गाड़ी है उनके पास, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरी गाड़ी आए और उसे किराए पे लगा ले। तो सर पे तलवार लटकी हुई है, पता नहीं तब तलाक होगी या अब तलाक होगी। क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए बताओ? नहीं बाजी, आपने तो शादी पे बहुत कुछ किया था, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप उसे बुलाएं और समझाएं। देखो उस वक्त तो हम एक हद तक मामलात में पड़ गए थे, लेकिन अब अगर हम बीच में आए तो वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम फजूल में क्यों इस मसले में पड़ रहे हैं। मतलब बात थोड़ी अजीब नहीं हो जाएगी? लेकिन इंतकाल के बाद तो मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को ही सब कुछ समझती हूँ। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा है, सब इधर ही है। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नाजिया आंटी आप रो क्यों रही है? वो भी दादी जान के सामने। और दादी जान आप इनको चुप क्यों नहीं करवा रही? मैं इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारी दादी के पास, ताकि वो मेरे आंसू पोंछ सके। क्या हुआ आपको? अच्छा तुम एक काम करो नासिया, शाम में उसे लेके आ सकती हो तो ले आओ। अगर वो ना आए तो कोई बात नहीं, फिर हम आ जाएंगे तुम्हारी तरफ। कोशिश करके देख लेना तुम। ठीक है, मैं उसे पूछ के आपको बताती हूँ। दादी जान आपने मुझे नाजिया आंटी के सामने तो कुछ नहीं बताया, अब तो बता दे। नाजिया आंटी क्यों रो रही थी? अच्छा, तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हें बता दूंगी? तुम अभी छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब बातें करने की, पूछने की। चलो जाके दोस्तों के साथ खेलो, उठो, शाबाश। अब मुझे फिर टाल लिया है, ये देखिए मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। अरे हाँ, तुम तो इतने बड़े हो गए हो, माशाल्लाह नजर आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी तुम्हें। चलो जाओ। आप समझाएंगे तो आ जाएगा ना? अच्छा बाद में बताऊंगी, अभी तुम जाओ, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। पक्का? पक्का जाओ। ठीक है, वैसे भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहा हूँ, मैं खेल के आता हूँ फिर पूरी स्टोरी सुनूंगा। क्या चल रहा है दादी और पोते के बीच? कुछ नहीं मम्मा। है ना दादी जान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ओ मम्मा आप भी ना। अच्छा दादी जान, मैं चलता हूँ। और याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है, चलो जाओ, शाबाश। क्या याद है? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बच्चा है ना, कभी कभी जिद करता है बिला वजह। नजो जी, ये ब्लेंडर वहाब बाबा को दे। मामा ये क्या है? ये ब्लेंडर वहाब बाबा को देना है। मैं अरे अरे रुको, कहोगे क्या उनसे? आपने तुझे देने का कहा है। अगर आप तसल्ली से रुककर मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको उनसे कहना क्या है। तो आप बताएं। आपने उनसे कहना है कि मामा की बात हो गई है इलेक्ट्रिशियन से, आप ये ब्लेंडर उनको जाकर दे आए। मैं आपकी बात को खत्म समझूं? जी बिल्कुल समझे, और अब आप जा सकते हैं। वाह अंकल, आपका कुर्ता फटा है, अब नजो आंटी से सलवार क्यों नहीं लेते? बेटा क्या करें, कभी यहाँ से फट जाता है गेट में आके, अब ये मोटर में आके आस्तीन फट गई। अब कब तक इन कपड़ों को सिलवाते रहे? ये मुझे नहीं पता, ये मैं दादी से पूछी बताऊंगा। अच्छे मम्मा ने ब्लेंडर दिया है, कहा कि इलेक्ट्रिशियन को दे देगा, और मम्मा ने कहा उनके इलेक्ट्रिशियन से बात हो गई है। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम दादी की जान। दादी जान आप क्यों कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हैं? पढ़ते रहना तो अच्छी बात होती है ना अब्दुल्ला। तुम मुझे भी बताएं, मैं क्या पढूं? तुम तो अपने स्कूल का कोर्स ही पढ़ लो तो बहुत है। ताई जान मैं अपना कोर्स पढ़ता हूँ। ओए माँ सदके, मेरा बच्चा नाराज हो गया है, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे पता था आप मजाक कर रही थी। अरे मुझे याद आया ताई जान, क्या फटे हुए कपड़ों में नमाज हो सकती है? बेटा सबसे ज्यादा तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए तो लिबास साफ सुथरा हो, पाक साफ हो। और रह गई बात कपड़े फटे हुए होने की, तो अल्लाह ताला तो नियतें देखता है ना मेरी जान। अच्छा, और वो जो नाजिया आंटी आई थी उनके साथ क्या मसला था? बहुत परेशान लग रही थी। वो तुम नहीं समझोगे दादी जान, आप मुझे समझाए तो मैं जरूर समझूंगा। और कभी ऐसा हुआ है आपने मुझे समझाया और मैं नहीं समझा? आप मुझे समझा के तो देखें एक दफा। अच्छा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। अब्दुल्ला, नाजिया का शौहर जो है ना, वो नाजिया से जहेज में गाड़ी और बहुत सारा सोना मांग रहा है। और उसे धमकी दे रहा है कि अगर उसके घर वालों ने ये सब कुछ नहीं दिया तो वो नासिया को छोड़ देगा। ताई जान, ये जहेज क्या होता है? जहेज बेटा कुछ भी नहीं होता। लड़के और लड़की की जब शादी होती है ना, वो नया घर बना रहे होते हैं, तो लड़की के वालिदैन और रिश्तेदार सब मिलके ज़रूरियाते ज़िंदगी की कुछ चीज़ें लड़की को देते हैं ताकि उन्हें अपना घर बनाने में आसानी, इसे जहेज कहते हैं। और जिसके पास सब कुछ हो, घर भी हो, फिर तो फिर उसे तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला, अल्लाह ताला को सादगी बहुत पसंद है मेरी जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जिसमें इखराजात सबसे कम हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ज़रूरियाते ज़िंदगी की बस चंद चीज़ें देख के घर से रुखसत किया था। ताई जान, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज पे क्या दिया था और हमें तो उन्हें फॉलो करना चाहिए ना? बिल्कुल उन्हें फॉलो करना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक कमीज, एक बुर्का, 2 चटाइयाँ, 4 चमड़े के तकिए, मशकीज़ा और इस तरह की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें देकर घर से रुखसत किया था। आजकल हमारे माशरे में हिर्स और हवस की वजह से लोग बहुत सारा जहेज मांगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे घरों की बेटियां बगैर शादी के घरों में बैठी रह जाती हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी जान। सादगी को अपनाना चाहिए, अपनी और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। अगर हमारे घर में ज़रूरियाते ज़िंदगी की सब चीज़ें मौजूद हैं तो जहेज नहीं लेना चाहिए। नजम अंकल के पास घर है क्या? बिल्कुल है। गाड़ी है? हाँ, गाड़ी भी है। जब उनके पास सारी चीजें हैं तो वो सब कुछ जहेज में क्यों मांग रहे हैं? पता नहीं क्यों मांग रहे हैं बेटा। खैर, बुलाया है उन्हें शाम को, देखो बात करते हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाअल्लाह। तुम परेशान नहीं हो। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम बाजी। फिर क्या तय पाया? बाजी, मैंने उन्हें मना लिया आप लोगों से मिलने के लिए। मैंने उनसे कहा है कि आप लोगों ने हमें अफ्तारी पे बुलाया है। बिल्कुल ठीक है, मैं अम्मी को बता दूंगी। ओके बाजी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजो, शाम में नाजिया और उनके हस्बैंड आ रहे हैं इफ्तार पर, तो इफ्तारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बाजी। नायला, अरे जाग नहीं आप? मुझे लगा आप सो चुकी हैं। बस बेटा थक गई थी जरा, इसलिए लेट गई। ऑन कर दो लाइट। जी, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। तुम बताओ, खैरियत से आई थी? जी, वो नाजिया का फोन आया था, कह रही थी कि शाम में नजम के साथ आएंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। कुछ देने का सोच रही है उन्हें? नहीं, पहले तो नजम से बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी बात उसकी समझ में नहीं आई तो फिर मजबूरी है, क्या करें। हमारे कुछ देने से अगर किसी बच्ची का घर बस जाता है तो क्या बुराई है बेटा। लेकिन अम्मी, आपको नहीं लगता कि बार बार उनकी बात मान के हम उनकी आदतें खराब कर रहे हैं। हाँ, तुम भी ठीक कहती हो। आपको याद है लास्ट टाइम जब बात हुई थी, आपने उनकी बात मान ली थी और इतना महंगा टीवी दिया था। याद है मुझे अच्छी तरह से। और उसके बाद कितना तमाशा बनाया था इन लोगों ने। उसकी सास ने तो ये इतराज भी कर दिया था कि अगर टीवी देना ही था तो फलां कंपनी का देते, ये क्या सस्ता सा टीवी उठा के दे दिया। जी बिल्कुल। और वो जो हमने खाने पे इनवाइट किया था, कितनी बातें सुना कर गई थी हमें। हाँ बेटा, सब याद है, लेकिन ये सब माजी की बातें हैं बेटा। लेकिन मुझे लगता है अम्मी कि हमें अपने माजी से सबक हासिल करना चाहिए। करना तो चाहिए, लेकिन क्या करें बेटा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। नजम, मुझे तुमसे एक बात करनी है बेटा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा। वादा? हाँ बेटा, वादा करना होगा कि जो बात मैं तुमसे करने वाली हूँ उसके बारे में तुम घर जाके नाजिया से कुछ नहीं कहोगे। मैं कुछ समझा नहीं। पहले वादा तो करो ना बेटा। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नजम अंकल। अस्सलाम वालेकुम नाजिया आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। नजम अंकल एक बात बताए। हाँ बोलो बेटा। आपके पास अपना घर है? जी बेटा है। अपना घर? जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है। तो फिर घर के अंदर सामान भी होगा? बिल्कुल है बेटा, अल्लाह का दिया सब कुछ है। जब आपके पास सब कुछ है तो आप नाजिया आंटी से जहेज क्यों मांग रहे हैं? अब्दुल्ला, क्या बदतमीजी, मुंह में आता है तुम बोल देते हो सबके सामने। इसे सर पे चढ़ाया है। चलो जाओ यहाँ से। ठहरो अब्दुल्ला, रुक जाओ बेटा। वसीम अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। नजम बेटा, क्या तुम्हारे नजदीक इंसानों से ज्यादा चीजों की अहमियत है? बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें हर नेमत से नवाजा है और सबसे बढ़कर नेक बीवी अता की है अल्लाह ताला ने तुम्हें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से नेक बीवी एक बहुत बड़ी नेमत है। जी अंकल, अल्लाह ताला तो सादगी को पसंद करते हैं। नजम अंकल, आपको तो पता ही होगा बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जहूर दिया था। एक कमीज, एक बुरका, 4 चमड़े के तकिए, एक चटाई, खजूर के पत्तों की चारपाई और कुछ बर्तन दिए थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसको पसंद करते हैं जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। और आप नहीं चाहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पसंद करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद भी बेटा तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें चीज़ें चाहिए तो बताओ। हाँ, तब गाड़ी मैं तुम्हें ले लेती हूँ। और अगर आपको जेवर चाहिए तो मैं लेकर आ जाती हूँ अपना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक नेक बीवी चाहिए। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। खुश रहो मेरा बच्चा, माशाअल्लाह तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर दुनिया की चीज़ों को ठुकरा दिया। इसका अजर अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे अता फरमाएगा। आमीन। एहसास है एहसास है रमज़ान, एहसास है एहसास है एहसास है रमज़ान।